रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादोबाद रखे। आज मैं आपके लिए न्यू स्टाइल की चिकन कढ़ाई लेकर आई हूँ, जिसका साइज़ इतना इतना होना चाहिए। ये देखें ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका साइज़ इतना होना चाहिए। और ये मेरा आधा केजी चिकन है, और ये मेरी दही है, और ये मेरा टमाटर है। माशाल्लाह मैं अभी अभी ताज़ा ताज़ा लेकर आई हूँ, टमाटर बहुत महंगे हुए हैं। तो ये मेरा हरा धनिया और हरी मिर्ची है, और ये मेरे मसाला जात है, और ये मैंने अदरक लहसुन सूखा धनिया साबता हरी मिर्च इसके अंदर कूट के रखी है। तो मैंने आज इसका जायका और तरीके का बनाना है, तो ये आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या करना है। ये कुछ मेरे खड़े मसाले हैं जो कि मैंने तड़के में डालने हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज का मेरा स्टाइल क्या है, तो चले मेरे साथ रहिएगा। मान रही मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है। तो अब ये जो खड़े मसाले हैं ना, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी, लौंग और ये सब छोटी इलायची, ये सारा कुछ इसके अंदर डालते हैं। अब चूल्हे को हम नीचे से ऑन करते हैं और एक मिनट इसको कड़कने देते हैं। एक मिनट कटक जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। लारक मार रहे, मसाला हमारा कटक गया तो इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं ताकि हमारा चिकन जो है ना वो इसके साथ चमकते नहीं। और एक मिनट के लिए हम चूल्हे को नीचे से बंद करते हैं और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके ये चिकन इसके अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये हमारा चिकन जो है ना रोस्ट हो रहा है, तो जब तक ये रोस्ट होता है तो मैं उधर आपको मसाले बनाने बताती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारी दही है और इसमें हमने मसाले ज़्यादा डालने हैं। ये आधा चम्मच हल्दी जा रही है, तो ये चाट मसाला जा रहा है आधा चम्मच, और ये पीसी मिर्च जा रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पीसी हुई मिर्च जा रही है। अब ये ब्लैक पेपर जा रही है थोड़ी सी। तो अब हमने पहले उधर भी नमक डाला, तो थोड़ा सा इसमें और नमक डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं इसको मिक्स करके तो आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये दही के अंदर हमारे सारे मसाला जात जो है ना मिक्स हो गया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका स्ट्रक्चर कितना अच्छा बन गया। तो अब ये जो मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची सूखा धनिया साबता हमने डोरी में पीस के रखा था ना, अब ये इसके अंदर डाल दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये देखें हमारा चिकन कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारी सारी चीज़ें भी खुशबुएँ बहुत आ रही हैं। अब ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची और सूखा धनिया साबता ये अब हमने इसके अंदर मिक्स करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये इसका एक मिनट कच्चापन ख़त्म होता है ना, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर ये मसाला डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इसके अंदर अभी मैं घोल भी डालूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको मैं एक मिनट के लिए मिक्स करके तो फिर आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देखें जी माशाल्लाह, हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से भुज गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मैंने टमाटर आपको बताया था ना, उसकी मैं पेस्ट बना के ले आई हूँ, तो अब ये भी इसके अंदर जाने लगा है। प्लेटों को अच्छी तरह साफ कर लिया करें ताकि रिजक ज़ाया ना हो। अब हमने क्या करना है, चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करना है ताकि इसको हम अच्छे से भून सकें। तो आपको मैं बताती हूँ ज़रा अच्छे से भून के, आज की चिकन कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनने वाली है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने इसको इसके ऊपर ढकना दिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखे ना, हमारी अच्छे से कढ़ाई भुज गई है। अब इसका पानी भी खुश्क हो गया है, तो अब ये बहुत अच्छे से भुज गई है। तो अब हम इसको इसके ऊपर हरा धनिया डाल के तो आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये देखे माशाल्लाह, हमारा स्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है, हमारी कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त भुज गई है। अब इसकी खुशबुएँ भी बहुत आ रही हैं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया छिड़कना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैंने इसके हरा धनिया छिनक दिया और ये एक हरी मिर्ची भी इसके अंदर डाल दिया जायके के लिए। अब इसके ऊपर ढकना दूंगी, तो थोड़ी देर के बाद मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसको हमने नीचे उतार लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने अब डिश आउट करना है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और ये मेरी प्लेट है, खूबसूरत सी प्लेट है, जिसके अंदर मैंने इसको डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं इसको डिश आउट करके ना तो आपको बताती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। अल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बन गई है। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया छिनक के बताती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बनी कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ये देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये कितना खूबसूरत, कलर इसका कितना प्यारा आया। मेरे सादे से मसाले थे जो कि मैंने घर के इस्तेमाल किए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये गली कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह, ये कितना गल गई है। तो अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये बनी कैसी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं चखने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सच में ये बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह ताला खाने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को सेहत बरकतदार ज़िंदगी दे। अगर आपको मेरी आज की चिकन कढ़ाई अच्छी लग जाए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।